सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा एंड्यूरेंस। अब हम समझेंगे एंड्यूरेंस। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग योर बुक एंड्यूरेंस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ। एक अनदर कंपोनेंट है स्टूडेंट एंड्यूरेंस स्पीड और स्ट्रेंथ से। इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। हियर ऑल्सो डिफाइंस एंड्यूरेंस एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। ओके स्टूडेंट ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एंड्यूरेंस एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। इन ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। इट इज यूजली मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ रिपीटेशंस। इट इज यूजली मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सीटअप्स एन इंडिविजुअल कैन कंप्लीट इन वन मिनट इज ऑफन यूज टू मेजर द एंड्योरेंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। स्टूडेंट अब हम समझते हैं एंड्योरेंस को। तो एंड्योरेंस देखा जाए तो ये एक तरह का सहन शक्ति को हम कहते हैं कि कितना मतलब फटीग के बाद भी हमारे बॉडी कितने टाइम तक वर्क कर पाता है। हम थकने के बावजूद भी उस वर्क को कंटिन्यूसली कितना टाइम तक कर पाते हैं। फटीग हमारे बॉडी में आ जाता है, हम थक जाते हैं, फिर भी हम उस फटीग के विरोध काम कर रहे हैं, ये मेंशन करता है एंड्योरेंस। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले ही लाइन पे दिया गया था रेसिस्ट फटीग। तो एंड्योरेंस जो होता है ना स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये बात कॉमनली आपको पता है, बेसिकली आपको पता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें फटीग का आना कॉमन सा बात है। फिर चाहे वो बड़े स्पोर्ट्स हो या कोई छोटा स्पोर्ट्स हो, फटीग आना ही है। इंडोर स्पोर्ट्स हो या आउटडोर स्पोर्ट्स हो, फटीग आना ही है। अब डिपेंड करता है उस स्पोर्ट्स के, उस स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर कि कितने एंड्योरेंस उसके अंदर है, तभी वो अपना स्किल परफॉर्मेंस ठीक तरीके से स्पोर्ट्स में दे पाता है, दिखा पाता है। फटीग हर स्पोर्ट्स में आता है ये भी हमने समझ लिया, और फटीग को सह कर उसी वर्क को उसी काम को हम कुछ टाइम और आगे तक करते हैं, दैट्स कॉल्ड एंड्योरेंस। इट्स ये जो सहना जो ये आ रहा है ना वर्ड, यही बताता है एंड्योरेंस को। जो फटीग मसल्स में आ जाती है उसे भी हम सहते हैं एंड्योरेंस के अंदर जो आता है, और उसके बाद उसी मसल से हम वर्क कंटिन्यूसली और कुछ टाइम तक आगे तक लेते हैं। स्टूडेंट जैसा कि एक इंडिविजुअल है जो सिटअप्स कर रहा है, मान लीजिए उसने 20 सिटअप्स किया, करने के बाद उसे एब्डोमिनल मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, उसके एब्डोमिनल मसल्स में फटीग आ गया, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और 5 या और 10 सिटअप्स करने का, और वो कर भी लेता है। तो ये किस लेवल को बताया, इस ये किस चीज को बताया उस इंडिविजुअल्स का, ये उस चीज को बताया जो एंड्योरेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स समझेंगे एंड्योरेंस के टाइप्स कितने हैं। तो एक शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है स्टूडेंट और एक लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जो यूज होता है वे स्पोर्ट्स में जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, क्योंकि इनका एक टाइमिंग फिक्स होता है। इस टाइमिंग के अंदर ही हॉकी को प्ले करना है, फुटबॉल को प्ले करना है, रेसलिंग वगैरह, उस टाइमिंग के बाद भी नहीं, उस टाइमिंग से कम नहीं। तो उस टाइमिंग तक जो एंड्योरेंस वर्क कर रहा होता है उसे हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस से जानते हैं, समझते हैं। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इट्स मीन लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला एंड्योरेंस। अब वो कौन से इवेंट में देखने हमें मिल जाता है, वो है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेसेस एटसेट्रा। इन सब चीजों में हमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस देखने मिल जाता है, क्योंकि ये जो वर्क है, ये जो एक्टिविटी है, काफी लंबे टाइम तक चलती है। अब ऐसा है क्या कि रोड साइकिलिंग सिर्फ 5 या 10 मिनट का होता होगा, उसके बाद हम कहेंगे जैसे कि क्रॉस कंट्री ये मोस्टली 10 या 12 मिनट का होता है, ऐसा तो नहीं है, काफी लंबे ड्यूरेशन तक ये चलता है। तो लंबे ड्यूरेशन तक जब चल रहा है, मसल वर्क कर रहा है स्टूडेंट, तो मसल्स में एंड्योरेंस कैपेसिटी होना बहुत जरूरी भी तो है, क्योंकि उतना टाइम तक फटीग आना बहुत कॉमन सा बात है, और उसके रेसिस्ट होकर मसल को वर्क कंटिन्यू वे में लेकर चलना, करते रहना, ये बताता है एंड्योरेंस। तो स्टूडेंट्स हमने समझ लिया एंड्योरेंस के बारे में, और एंड्योरेंस के जो रो टाइप है उसके बारे में भी हमने समझा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस का। तो स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज अ नेसेसरी कंपोनेंट फॉर फिजिकल फिटनेस। ठीक है स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। एन इंडिविजुअल हु हैज प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी कैन परफॉर्म ही वर्क वेरी ईजली। अगर किसी इंडिविजुअल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ठीक तरीके से काम कर रहा है, फ्लेक्सिबल है उसका बॉडी, फ्लेक्सिबल ठीक तरीके से है उसका जॉइंट्स, तो वो कोई भी मूवमेंट को
काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है। तो स्टूडेंट, अब जैसा कि स्पोर्ट्स है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, ये तो हम नहीं कह सकते। कॉमन सा बात है, एक्टिविटीज़ होगी तो मूवमेंट भी होगा, और मूवमेंट को ठीक तरीके से करने के लिए हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जॉइंट्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में बॉडी जितना फ्लेक्सिबल होता है उतना ही अच्छा स्किल्स वो इंडिविजुअल, वो स्पोर्ट्स प्लेयर कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है और गेम को अच्छे तरीके से खेल पाता है। स्टूडेंट, अब फ्लेक्सिबिलिटी का अगर हम बात करते ही हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी अगर हम देखते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। दो टाइप हैं फ्लेक्सिबिलिटी के, पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव। पैसिव में क्या है, द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट्स टू ग्रेटर डिस्टेंस। क्या दिया हुआ है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में, द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट्स टू द ग्रेटर डिस्टेंस विथ एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर डिस्टेंस तक मूवमेंट कर पाना, ये पैसिव जो है आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर। अब मान लीजिए एक्सरसाइज को ही लेकर हम चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का, तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, हैंड स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, लेग स्ट्रेचिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं जिसमें हमें एक्सटर्नल यूज का जरूरत पड़ता है किसी इंडिविजुअल्स का, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि स्ट्रेच अप करके दीजिए, या किसी इंडिविजुअल या किसी ऑब्जेक्ट का हम सहारा लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक्सरसाइज को करने के लिए, होने के लिए, तो उसे हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में ले लेते हैं। लेकिन हम अगर स्टडी करते हैं, बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल यूज़ का या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है, हम खुद से ही वो फ्लेक्सिबल वाला जो एक्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक्सरसाइज है या फ्लेक्सिबल मूवमेंट है, वो हम खुद से ही करते हैं, हमें किसी का ज़रूरत या कोई ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना लेना पड़ता है। स्टूडेंट, अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर दो पॉइंट्स हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, चलिए इनको भी हम समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन व्हाइल डाइविंग, सिटिंग, लेइंग इन द स्टार्टिंग पोजीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स। किसी स्पोर्ट्स का, अब मान लीजिए एथलीट के अंदर एक रनर है, उसे रनिंग ट्रैक में रनिंग करना होता है, तो वो स्टार्टअप लेता है बैठे हुए पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में स्टार्टअप लेता है, तो उसमें उसके लेग्स मसल्स में, आर्म्स मसल्स में, थाई मसल्स में, काफ मसल्स में एक स्ट्रेच पड़ता है, ये उसी चीज को बताता है कि उसके आर्म्स मसल्स, लेग मसल्स कितने फ्लेक्सिबल है कि वो ठीक तरीके से पोजीशन ले पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया स्टूडेंट, डाइविंग और जंपिंग, इन सब चीजों में भी देखा जाता है। अब जैसे कि डाइविंग हो गया, डाइव हम करते हैं, तो स्विमिंग करते वक्त, डाइविंग करते वक्त, तो इस चीज़ों का भी तो ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है, ताकि आप अपने बॉडी को आगे पुश कर सको, पानी को काटते हुए, पानी को पीछे ढकेलते हुए आप अपने बॉडी को आगे पुश कर सको। तो ये जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें भी तो दिख रहा है ना कि बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है, कितना अच्छा से आपका हैंड रोटेट हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, जॉइंट्स इसमें वर्क कर रहे हैं, मसल्स इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड फॉर कैरिंग आउट मूवमेंट्स टू ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन अ इंडिविजुअल इज इन मोशन। मोशन का बात यहाँ क्या गया है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें मोशन है, इट्स मीन अब जैसा कि बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, उसके पीछे कीपर है बॉल कैच करने के लिए, अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कीपर को ये नहीं पता होता कि बॉल कौन से साइड से आएगा, लेग से आ रहा है या ऑफ से आ रहा है, या क्या पता बाउंस होके आ रहा है, उस कीपर को रेडी रहना पड़ता है हर तरह का मूवमेंट्स के लिए। तो वो कैसे रेडी हो पाएगा, तो वो फ्लेक्सिबल जितना ज़्यादा हो पाएगा उसका बॉडी, तो वो किसी भी डायरेक्शन से अगर बॉल आता है तो वो कैच कर सकता है। यहाँ भी फ्लेक्सिबल देखिए, तो डायनेमिक हुआ ना, क्योंकि उसे एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी वाला वर्क करना पड़ा जिसमें उसका बॉडी मूव कर रहा है, जिसका उसमें बॉडी मूव हो रहा है, तो इसलिए हमने बताया जो डायनेमिक वर्ड आ रहा है वो मोशन से, मूवमेंट से आ रहा है। तो आप ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबल, तो अब वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक्टिविटी जिसमें मूवमेंट शामिल है, तो वो मूवमेंट करते हुए जो फ्लेक्सिबिलिटी का यूज हो रहा है उसे ही हम कहते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी।
स्टूडेंट चलिए हमने ये भी समझ लिया स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो क्या है इसमें चलिए जानते हैं। बिफोर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बिफोर 1980 स्पीड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस एंड एजिलिटी वेयर कंसिडर्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस बट आफ्टर दैट द टर्म एजिलिटी चेंज इनटू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ओके स्टूडेंट 98 का टाइम है बात कर रहे हैं हम जब बात कर रहे थे स्पीड का स्ट्रेंथ का फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस एंड एजिलिटी वेयर कंसिडर्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस ठीक है बट आफ्टर द टर्म एजिलिटी कुछ टाइम बाद एजिलिटी को चेंज कर दिया गया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में क्योंकि इसलिए भी क्योंकि एजिलिटी ऐसा वर्ड आ रहा था जिसका मीनिंग प्रॉपर वे में किसी को समझने में बहुत परेशानी होती थी समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या है एजिलिटी वैसा कुछ कंफ्यूजन सा तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया किस चीज में किस वर्ड में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में। स्टूडेंट द टर्म एजिलिटी वॉज डिसकंटिन्यूड बिकॉज इट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड देयर वॉज नो अनिमिटी इन एक्सप्लेनिंग इट्स मीनिंग। स्टूडेंट सो नाउ डेज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इज यूज इन प्लेस ऑफ एजिलिटी ठीक है स्टूडेंट ये बात ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मेनली डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंड होता है कोऑर्डिनेटिव आपका जो एबिलिटी है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारे किसी भी तरह का मूवमेंट को किसी भी तरह का बॉडी में हो रहा है हलचल को या स्पोर्ट्स में जो भी स्किल्स हम करते हैं उस चीज को ध्यान में रखता है। नर्वस सिस्टम जितने अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमारा उतना अच्छा बन पाता है। इसलिए बुक में मेंशन किया गया है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मेनली डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल विच इनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉपर एज वेल एज एफिशियंटली। नेक्स्ट आवर एक्यूरेसी रिदम फॉलो एंड कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। स्टूडेंट बुक में आपका एक पिक्चर दिखा होगा कायाकिंग का ये जो गेम है इसे हम कायाकिंग कहते हैं जिसमें बोटिंग होता है दो प्लेयर्स होते हैं आगे पीछे बैठे होते हैं और उसे चलाना होता है एक रेस होता है जिसे हम कायाकिंग कहते हैं वाटर स्पोर्ट्स में आता है ये। तो इसमें देखिए इन दोनों का मूवमेंट एक जैसा होना चाहिए अगर इसका मूवमेंट इसके मूवमेंट से मैच नहीं खाता है या पीछे जो इंडिविजुअल बैठा है स्पोर्ट्स पर्सन बैठा है उसका मूवमेंट सामने वाला से मैच नहीं खाता है तो इसमें क्या होता है उसका स्पीड में कम ज्यादा होने का चांसेस रहता है स्पीड या तो कम हो जाता है या तो उसका जो बैलेंस है बोर्ड का वो बिगड़ जाता है बिकॉज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यहां बहुत मैटर करता है दोनों को एक साथ ही बोर्ड को आगे पुश करना होता है ये बहुत जरूरी है। वैसे ही हम समझेंगे जैसा कि आपने मार्च पास ले लिया अब लेफ्ट राइट जो कराया जाता है मांसपीटी जो कराया जाता है उसमें देखिए सभी का पैर को एक साथ उठना है और एक साथ नीचे जाना है लेफ्ट राइट भी होता है जो मांसपीटी जो होता है डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं नेशनल डेज में 15 अगस्त में 26 जनवरी में तो आपने देखा होगा। उसके बाद कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स स्किल्स हैं जिसमें भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बहुत मैटर करता है। तो स्टूडेंट तो हमने क्या जाना कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है एक्यूरेसी को बताता है रिदम को बताता है फॉलो एंड कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। दिस एबिलिटीज कैन बी वेरियस टाइप्स बैलेंस एबिलिटी रिदम एबिलिटी एडेप्टेशन एबिलिटी एंड रिएक्शन एबिलिटी। एडेप्टेशन एबिलिटी मतलब अब कोई ऐसा मूवमेंट जो आपको करना बहुत जरूरी है जैसा कि बैट्समैन के पीछे मैंने आपको बताया एक कीपर है जो बॉल कैच करने के लिए खड़ा है अब वो बॉल किस साइड से आएगा उसे नहीं पता है अचानक से मान लीजिए वो बॉल सोच रहा है लेफ्ट साइड से आएगा बट बॉल उसका बाउंस हो रहा है तो एक अचानक से जो वो जंप करता है एक फोर्स के साथ और वो बॉल को कैच करता है तो यही कहलाता है एडेप्टेशन एबिलिटी। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है आपका जो नेक्स्ट है वो है एबिलिटी एडेप्टेशन एबिलिटी एंड रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन रिएक्शन एबिलिटी भी होता है ये भी ठीक रखना बहुत जरूरी है और ये भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का यही एक पार्ट है। अब जैसे कि अब दो लॉन टेनिस के प्लेयर हैं अब एक ने बॉल यहाँ से मार लिया अब आपको वापस उसके पास बॉल को भेजना है तो आप किस तरीके से बॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है आपका हैंड किस तरीके से आप बैट को बॉल के साथ टच करके आगे लेके जा रहे हो ये बताता है रिएक्शन एबिलिटी से। सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर लास्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट जैसा कि हमने स्टूडेंट देखा था फिजिकल वेलनेस हेल्थ रिलेटेड वेलनेस तो अब कंपोनेंट ऑफ वेलनेस अब वेलनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं अब हम इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं तो टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं
किसके? वेलनेस के, जिसमें फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, न्यूट्रिशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल एंड एनवायरमेंट वेलनेस बताया गया है। चलिए इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। देखिए क्या बताया गया है, फिजिकल वेलनेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इट लेस स्ट्रेस ऑन गेटिंग इन शेप, शेडिंग एक्स्ट्रा वेट एंड रिस्टोरिंग द यूथफुल अपियरेंस विद हेल्दी ईटिंग, रेस्टफुल स्लीप, वाइगोरस एक्सरसाइज एंड न्यू लुक। एक नया लुक देता है, एक बॉडी को शेप से सही करता है। अलग अलग एक्टिविटीज़ इसमें हम कर पाते हैं, अलग अलग तरह के एक्सरसाइज हमें इसमें हम परफॉर्म कर पाते हैं और अपने बॉडी को शेप में, फिटनेस में रख सकते हैं, बॉडी को ठीक तरीके से हम रख सकते हैं। फिजिकल वेलनेस इस चीज़ को बता देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल वेलनेस। तो स्टूडेंट हम कहीं ना कहीं एक सोशल का पार्ट हैं, कहीं ना कहीं एक सोशल का हिस्सा ही है हम। तो उस सोशल में हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, अपना बिहेवियर को कैसा रखना है और सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है उसे कैसा बनाए रखना है ठीक तरीके से, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो ये भी हमें सोशल वेलनेस से मालूम चल जाता है, मिल जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है इमोशनल वेलनेस। तो इमोशनल वेलनेस इट्स मीन एंजाइटी, डिप्रेशन, अपसेट, जैसे हम कहते हैं ना मूड उदास है, ऑफ है, ऐसा मतलब सैडनेस सा। तो इन सब चीज़ से भी हमें काफ़ी अच्छा छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कि एक डिप्रेशन होता है, एक किसी चीज़ को लेकर हम इमोशनल हुए रहते हैं, तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं और उस एक्टिविटी में हमारा ब्रेन वर्क करने लगता है। तो भूलने से क्या हो गया कि वो चीज़ का जो एक बैड फीलिंग जो होता है, एक उदासी होता है, एक इमोशनल में आप चले जाते हो, तो वो चीज़ को दूर कर सकते हो, वो चीज़ को ठीक किया जा सकता है। बिकॉज हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को ना सोचकर जो प्रेजेंट में हमारा जो ब्रेन वर्क कर रहा है, जैसे कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ ब्रेन हमारा वर्क कर रहा होगा, कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें ब्रेन वर्क कर रहा हो, कुछ एक्सरसाइज, ठीक है। तो ब्रेन उस चीज़ को ना सोचकर इस चीज़ को सोचता है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हमें मिल जाता है कि हम जो एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हमें छुटकारा, काफ़ी हम दूर चले जाते हैं और काफ़ी एक अच्छा वे में हमारा ब्रेन वर्क करने लगता है। हम अपसेट सा नहीं रहते हैं, सैड सा नहीं रहते हैं, एंजाइटी में नहीं रहते हैं, डिप्रेशन से हम बाहर निकल पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वेलनेस। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, माइंड जो है ना शांत होता है। नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वालिटी हम सीख पाते हैं, मेडिटेशन करते हैं हम इसमें, परफॉर्म प्रेयर जो होता है वो करते हैं, रेस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन, अदर जाति धर्म जो होते हैं ना उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ है ये सब बात इसमें मिल जाती है। स्टूडेंट न्यूट्रिशनल वेलनेस, आपको पता है स्टूडेंट अगर बॉडी में एनर्जी चाहिए तो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिशन का ज़रूरत बहुत होता है। बिकॉज वाई, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम करते हैं तो हमें उसके लिए पावर चाहिए, हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो पावर और एनर्जी किस तरीके से हमारे बॉडी पे आते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो उसके सोर्स से हमें पावर एनर्जी बॉडी को मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है जिससे हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। मूवमेंट किसी तरह का हो या मसल स्ट्रेंथ वाला वर्क करता हो मसल, तो उसमें एक एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम गेन करते हैं, तो एक न्यूट्रिशनल फूड, एक बैलेंस डाइट के अंदर जब हम रहते हैं तभी ये सारी चीज़ हमें बॉडी में मिल पाता है और हम एनर्जेटिकल हो पाते हैं और किसी वर्क को एनर्जेटिक वे में कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइनेंशियल वेलनेस। फाइनेंशियल वेलनेस इसमें हम क्या समझते हैं, बजट में रखना है अपने आप को, मंथली बजट, एनुअल बजट, और स्टूडेंट अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसको चैरिटी में हम दान करते हैं, जैसा दान पुण्य करना जो होता है, ठीक है, ये सारे चीज़ को भी हम सीख पाते हैं। इंटेलेक्चुअल वेलनेस इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल का बुद्धि, इट्स मीन किस लेवल का उसका माइंड काम कर पा रहा है, इट्स मीन जैसा कि आपको इंडिविजुअल है, वो उसका एज है भी 12 ईयर और उसका जो माइंड है, अब उसका माइंड हो जाता है 7 या 8 ईयर के बच्चे जैसा, तो क्या वो उस लेवल के लिए माइंड उसका सफिशिएंट है, नहीं, तो इस चीज़ को भी ठीक रखना जरूरी है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी में जब वो इंडिविजुअल इन्वॉल्व रखता है खुद को, तो उसका इंटेलेक्चुअल जो बिहेवियर है, इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो सही बन पाता है, बुद्धि उसका सही तरीके से काम करता है, उसका माइंड किसी भी चीज़ को समझ पाता है, स्टडी कर पाता है, रीड कर पाता है और अच्छा से कम्युनिकेशन जो होता है ना, बेटर कम्युनिकेशन वो भी कर पाता है, और स्टडी से रिलेटेड जैसा डिसलेक्सिया वगैरह जो प्रॉब्लम होता है ये नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इन्वायरमेंट वेलनेस, हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट हो एक इन्वायरमेंट में रहकर ही करते हैं, बिना इन्वायरमेंट में रहे हम किसी भी एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट, जो भी गेम है हम नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंट सही रहना, हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अगर इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी तरह का डर्टनेस है, तो उस वजह से हमें बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है,
ठीक है, हम वहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, हम वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गलत चीज़ या वहाँ के लोग अगर सही नहीं है तो बैड थॉट हम सीख लेंगे उससे, तो ये सब प्रॉब्लम हमारे बॉडी में करता है, हमारे ब्रेन में करता है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। इन्वायरमेंट मतलब यही नहीं कि वहाँ हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एरिया बस क्लीन हो, हर चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, वहाँ के आसपास का क्या माहौल है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं एक्टिविटी के लिए, जहाँ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो जो जगह है वो साफ़ है नहीं, हर चीज़ को देखा जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे कंपोनेंट्स आपके वेलनेस के। तो आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।